इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली आपका एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर आपका जितने भी लोग प्रेजेंट टाइम में आपका बेरोजगार है उसमें से 83% जो आपके बेरोजगार है वो आपके युवा है, मतलब आपका यूथ है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एज ए सिविल इंजीनियर्स आप कौन सा वो तरीका है जिससे आप आसानी से आप जॉब जो है वो पा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे सिविल इंजीनियर्स के लिए सबसे ज्यादा जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि कैसे किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर आपका जो है जॉब हम लोग पाए। ठीक है, तो वीडियो की आपका शुरुआत करते हैं। अगर हम थोड़ा सा ओवरऑल सिनेरियो अगर देखें आपका और इंडिया को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारी कंट्री क्या आपका एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री का मतलब ये होता है कि कंट्री अभी डेवलप नहीं हुई है, डेवलपमेंट आपका स्टार्ट है, रनिंग में है, और धीरे धीरे करके हम जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद में आपका जो है डेवलप कर जाएंगे। तो जब कोई कंट्री आपका डेवलपिंग कंट्री होती है तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो होता है वो सबसे तेजी से आपका ग्रो कर रहा होता है, क्योंकि हमें डेवलप होने के लिए आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को ही सबसे पहले आपका डेवलप करना पड़ेगा। आप दुनिया की किसी भी कंट्री का आप एग्जाम्पल उठा के देख लो, जैसे रिसेंटली अगर आप चाइना का एग्जाम्पल उठा के देखो तो चाइना ने सबसे ज्यादा काम किस चीज पे किया, चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपका सबसे ज्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से जो है वो आपका रेगुलर कई सालों तक डबल डिजिट ग्रोथ रेट जो है वो आपका अचीव कर पा, और उसने इतनी तेजी से उसकी आपका इकोनॉमी जो है वो ग्रो की। रिसेंटली अगर हम देखें तो इंडिया भी उसी ट्रेंड पे आपका चल रहा है, और यहाँ पे भी आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे जो है आपका काफी फोकस जो है वो आपका किया जा रहा है। आपने ये चीज अपने आसपास भी ऑब्जर्व की होगी, आपने देखा होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे आपका जरूर कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, इसके अलावा एयरपोर्ट्स वगैरह या फिर ऐसे रेलवे स्टेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपने पर्सनली अपने आसपास ये चीज जरूर फील की होगी कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का फोकस है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका काफी ग्रो आपका कर रहा है। आप जैसे ट्रेवल करो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे तो आपको रस्ते में ऐसे बहुत सारे स्पॉट पड़ेंगे जहां पे आप किसी ना किसी फ्लाईओवर का, ब्रिज का, या फिर किसी ना किसी हाईवे का, एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन होता हुआ आपको जरूर दिखेगा। सो ये हो गया आपका एक ओवरऑल सिनेरियो कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जॉब्स जो है वो आज के टाइम पे नहीं है। सो कोई भी सिविल इंजीनियर जो है वो आपका दो तरह की कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर आपका जॉब पा सकता है। सबसे पहली कंपनी आपका वो है कि जो कि डायरेक्टली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, जो सड़कें बनाती है, हाईवे एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन करती है, ब्रिज का, रेलवे का, मेट्रो का, इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन करती है, जैसे आपका L&T टाटा प्रोजेक्ट्स हो गया। दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी वो कंपनी होती है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से आपका जुड़ी हुई है, मतलब जो कि प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं आपका, जो कि जैसे DLF आपका इसका एक एग्जाम्पल है कि जो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप करते हैं, फ्लैट बनाते हैं, आपका सेल करते हैं। तो दोनों के बारे में आपका जो है बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपका रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। सो अगर आप देखो रिसेंटली रियल एस्टेट सेक्टर जो है काफी लंबे टाइम से जो है वो आपका काफी स्लो डाउन था, लेकिन अगर आप देखोगे जो आपका कोविड के बाद से जो है आपका कोविड के टाइम पे आपका रियल एस्टेट सेक्टर काफी डाउन था, उससे पहले भी आपका स्लो डाउन था, आपका नोटबंदी वगैरह हुई और कई सारे ऐसे कंडीशंस थी कि फ्रॉड वगैरह हुए दिल्ली NCR के अंदर, इलीगल प्रोजेक्ट्स बने, आपका इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, तो वो सारी चीजें थी। उसके बाद कोविड आपका आ गया, कोविड के टाइम पे भी आपका काफी स्लो डाउन था। कोविड के बाद अगर मैं बात करूं तो अब इस टाइम पे आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मतलब रियल एस्टेट सेक्टर जो है आपका फिर से ग्रो होना आपका स्टार्ट हो गया। इस चीज का अगर आपको ध्यान से देखना है तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप जाके किसी भी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी के अगर आप शेयर उठा के देखना, लास्ट 1 ईयर के अंदर आपका जो है उन्होंने काफी अच्छा ग्रोथ जो है वो आपका दिया है। तो ग्रोथ दिया है इसका मतलब कि कंपनी जो है वो आपका ग्रो कर रही है। रिसेंटली अगर आपने DLF के बारे में पढ़ा होगा तो DLF ने अभी तक रिसेंटली जो है आपका एक प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर आपका लॉन्च किया था जो कि मात्र 24 आवर्स के अंदर जो है आपका क्या हो गया, सेल आउट हो गया। तो ये एक अपने आप में जो है DLF कंपनी के लिए आपका अचीवमेंट थी कि आपका उसने अपना प्रोजेक्ट जो है वो आपका 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो आपका सेल आउट कर दिया। सो आपको इस सेक्टर्स के अंदर आप फोकस कर सकते हो अगर आपको रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जाना है। दूसरी हम लोग बात करेंगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के अंदर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर तो रिसेंटली आप देख ही रहे हो कि इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रहा है, और अभी आपका चुनाव है इसकी वजह से थोड़ा बहुत स्लो होगा। चुनाव जैसे खत्म होता है कोई भी किसी भी गवर्नमेंट बनो, आपका BJP की बनो या फिर आपका किसी अदर पार्टी की गवर्नमेंट बनो, उसके बाद फिर से उसी स्पीड के अंदर आपका जो है वो
बनना जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपका एक ओवरऑल सिनेरियो कि एक सिविल इंजीनियर कहाँ कहाँ काम कर सकता है। अब थोड़ा सा दूसरे तरीके से चीजों को सोचते हैं कि सर अब मुझे पता चल गया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर मैं जा सकता हूँ, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर मैं जॉब कर सकता हूँ, लेकिन सर जाऊं कैसे, उसके बारे में तो बात करिए। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आपका डिस्कस करते हैं। जनरली देखो क्या होता है कि आज के टाइम पे जितने भी जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जैसे हम लोग काफी टाइम से ट्रेनिंग करवा रहे हैं और बच्चों से डायरेक्ट बात भी करते हैं, कंपनीज के भी कॉन्टेक्ट में आपका रहते हैं, आज के टाइम पे जो सिविल इंजीनियर्स हैं थोड़ा सा ब्रॉड चीजों को सोच के चल रहे हैं। ब्रॉड का मतलब क्या होता है कि आप ना चारों तरफ आप दिमाग लगाने की कोशिश करो। आप सोच रहे हो कि मैं ऑटो कैड भी सीख लेता हूँ, आप सोच रहे हो कि मैं ना स्टैट प्रो भी सीख लेता हूँ, फिर उसके बाद में कोई बता देता है कि यार एक काम कर प्राइमावेरा सीख ले, एमएसपी सीख ले, आजकल मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा चल रहा है। कोई आपसे बोलता है कि यार एक काम कर आज के टाइम में बीआईएम का भी बहुत स्कोप चल रहा है, आपने किसी यूट्यूब चैनल पे गए वहां पे वीडियो देख ली, उसने बोल दिया कि बीआईएम बीआईएम बीआईएम, तो आप बीआईएम के पीछे पड़ गए। फिर कहीं किसी की वर्कशॉप आपने अटेंड कर ली, उसने बता दिया कि भाई बिलिंग करो, बिलिंग इंजीनियर बनो, क्वांटिटी सर्वेयर बनो, तो आप क्वांटिटी सर्वे के आप पीछे पड़ गए। सो एक क्लियर विजन के साथ में आप काम नहीं करो, आप थोड़ा ब्रॉड लेवल पे चीजों को सोच रहे हो। मैं आज बात करूंगा कि आपको ब्रॉड लेवल पे चीजें सोचने की बजाय एक माइक्रो लेवल पे आपको सोचने की जरूरत है, मतलब एक फोकस सोच आपके पास में होनी चाहिए। और फोकस सोच आएगी किस चीज से, जब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे। आज के टाइम पे अगर आपको जॉब पानी है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप स्पेशलाइजेशन के अंदर काम करो, मतलब किसी भी चीज के आप एक्सपर्ट बनो। तो उसके अंदर आपका दो तरीके से कोई भी आपका एक्सपर्ट बन सकता है। पहला तो कि आप रेगुलर काम करते रहो, आप किसी एक इंडस्ट्री के अंदर रेगुलर काम कर रहे हो और आपको इतना एक्सपीरियंस होगा कि आप वहां से अचीव कर सकते हो एक्सपर्टीज, लेकिन वो चीज तो हमारे पास में नहीं है, हमें दूसरे तरीके की तरफ जाना पड़ेगा। और दूसरा आपका जो तरीका है वो है आपका एजुकेशन। आप आज के टाइम पे स्पेशलाइजेशन पे फोकस करो, उस तरह की आप एजुकेशन लो जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर चीज की आपके अंदर में एक्सपर्टीज आपके अंदर आपका डेवलप हो, और वो भी आप किसी अच्छे और रेप्यूटेड कॉलेज से करने की कोशिश करो अगर आपके पास में उस तरह के रिसोर्सेस हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और उसके बाद फिर आप ट्राई कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर हम एक डिटेल वर्कशॉप भी लेके आने वाले हैं जिसमें हम पर्सनली बच्चों से बात करेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपका दूंगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। आज के टाइम पे अगर आप देखो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट काफी अच्छा चल रहा है, आने वाले टाइम के अंदर भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है काफी अच्छा चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चे जो है ना कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को ये समझते हैं कि बस मैंने प्राइमावेरा कर लिया, मैंने एमएसपी कर लिया, बस मैं अब कंस्ट्रक्शन मैनेजर बन गया। यही लोगों को बताया भी जाता है कि आप कहीं यूट्यूब चैनल पर जा रहे हो, हम बोलते हैं अरे प्राइमावेरा सीख लो, एमएसपी सीख लो, आप जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजर आप बन जाओगे, लेकिन उससे आपका काम नहीं होने वाला है। आपको स्पेशलिस्ट बनना है तो आपको उस स्पेशलाइजेशन के अंदर कुछ एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी, सॉलिड एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी। उसका सबसे आसान तरीका है कि आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर आप जो है एमबीए करो। अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर एमबीए करते हैं किसी अच्छे रेपुटेड कॉलेज से, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% जॉब मिलेगी और किसी अच्छी रेपुटेड कंपनी के अंदर आपको जॉब मिलेगी। और मैंने लोगों को देखा है कि जैसे ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अपनी कंप्लीट की है, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर तक की जॉब उनको जो है आपका अपॉइंट हुई है आपका एमबीए करते के साथ ही। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, दूसरा एग्जांपल है आपका स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। ठीक है, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग लोग अक्सर यही सोचते हैं कि स्टैट प्रो सीख लो, ईटैब सीख लो, तो मैं स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो आपका बन जाऊंगा। लेकिन स्टैट प्रो और ईटैब जो है वो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि स्टैट प्रो और आपका ईटैब जो है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नहीं है। आप किसी अच्छे कॉलेज से जाके, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जाके आप जो है एक डिटेल पढ़ाई करो, एजुकेशन लो, आप जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे आईआईटीज के अंदर आपको स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको जो है एमटेक कराई जाती है। स्ट्रक्चर के अंदर भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, आज के टाइम में डायनेमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी लोग जो है काफी काम कर रहे हैं आपका। इसके अलावा आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी जाके, जो अच्छे लेवल की जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वहां से आप एमटेक कर सकते हो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर। ये दो सेगमेंट मैं आज क्यों बता रहा हूँ, ये दो सेगमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड उठा के देखो, ये दो सेगमेंट आज के टाइम पे ऐसे हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जिनका जो प्लेसमेंट है वो आपका 80% से भी ज्यादा है। अगर कोई बच्चा आईआईटी से पढ़ रहा है, एनआईटी से अगर आपका पढ़ रहा है, वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है स्ट्रक्चर के अंदर, 80% से भी ज्यादा प्लेसमेंट रेशियो है आपका इन पर्टिकुलर ब्रांचेस के अंदर, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो या फिर आपका जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो। तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट आपको करना है कि मुझे किस
पर्टिकुलर निश में या किस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जाना है, उसके बाद मुझे वहां से जुड़ी हुई जो आपकी एक्सपर्टीज है वो आपका सीखनी है, उसके बाद फिर मेरी जो आपका एंट्री होगी, और वो एंट्री ऐसी होगी आपकी कि आप कभी भी एग्जिट ही नहीं कर पाओगे, मतलब इस तरह की धमाकेदार आपकी एंट्री होगी और अच्छे से आप जॉब कर पाओगे। आज टोटल दो मैंने निश बताए, ये वीडियो सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी, इसके ऊपर डिटेल हम लोग वर्कशॉप करने का भी आपका प्लान कर रहे हैं, तो जो कि फ्री रहेगा सभी के लिए, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपका जॉब लेने में ही आपका स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम उनकी आपका हेल्प करेंगे। बाकी वीडियो को अगर आपको जो है लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हाँ कमेंट जरूर करना किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उससे हमें क्या होगा ना कि जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास में रिसोर्सेज होंगे, हमें पता होगा कि एक्चुअल में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चे ग्राउंड पे आपका जो है फेस कर रहे हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।